आज करवा चौथ के दिन आपने अपने पति को हेलमेट दिया है, तो इससे आपको क्यों दिया है, इससे कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? करवा चौथ के दिन मैंने हेलमेट इसलिए दिया है अपने पति को कि हेलमेट पहन के ही सारे लोग घर से निकलें, बाइक जब चलाएं तो हेलमेट लगा के ही बाइक चलाएं, ये एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं सड़कों पे, इसीलिए मैंने अपने पति को हेलमेट दिया है आज करवा चौथ के दिन, इसे पहने और सुरक्षित रहें। अब कहाँ के निवासी हो ये, किस जगह प्रोग्राम हो रहा है? ये चावली हो रहा है। आपने ये प्रोग्राम किस उपलक्ष में रखा है, ये हेलमेट वितरण का करके क्या प्रक्रिया है, आप क्या लोगों में या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो इस हेलमेट वितरण करके अपने बनाकर? करवा चौथ का व्रत हम लोग अपने पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं और हेलमेट का ये है कि हम पति हमारे बिना हेलमेट के ना जाएं, इसे पहन कर ही जाएं जिससे वो सुरक्षित रहें। अगर जिस दिन बांध के चलिए अगर वो आपके पति देव हेलमेट पहनकर नहीं आते तो आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? हम कोशिश ये करेंगे कि उस दिन वह ना जाएं, अगर जाएं तो हेलमेट पहनकर ही जाएं। अगर हेलमेट पहनकर नहीं आते हैं तो उन्हें घर से जाने की अनुमति नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। आपको लगता है कि आपकी पति देव आपकी इस वचनबद्ध बात से मानेंगे बात को? हमने ये आयोजन इसीलिए रखा है जिससे वह हमारी भावनाओं को समझें और वचनबद्ध हो कि अगर घर से जाएं तो हेलमेट पहनकर ही जाएं। अभी तक आप लोगों में कितने लोग करीब हैं जिन्होंने इस संगठन में करीब सम्मिलित हुए हैं, हेलमेट अपने पति देव को पहना के पहनाया गया है? इस संगठन में कम से कम 25-30 लोग हैं। 25-30 महिलाओं ने हेलमेट अपने पतियों को पहनाया गया है। ये हेलमेट देके आपकी धर्मपत्नियों ने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और उत्साही बनाया है, आप इसमें अपनी पत्नियों के जो दिए गए वादे को कितने संभवतः निभाने की कोशिश करेंगे? जहाँ तक होगी तहाँ तक, हम जब तक जिएंगे तब तक निभाएंगे। आप हेलमेट पहनकर ही आप निकलोगे और आपके जो साथ में जो आपके साथी लोग हैं क्या ये लोग इस चीज़ के मानेंगे, सहमत हैं? नहीं मानेंगे, मैं ये तो हम लोगों के ग्रुप की बात है, जहाँ तक मेरी चलेगी तो अपनी पूरी पंचायत में मैं इस चीज़ को तय कोशिश करूँगा कि मेरी पंचायत में कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के कहीं भी बाहर जा रहा है वो बिना हेलमेट के नहीं जाए।